ओके देख आम लास्ट टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषय टी पढ़ी है आज टिके तार गोटे ग्राफ अच्छे से विषय टी देखा प्लस आउ कि पॉइंट्स अच्छे जो गुड़ा को हमें यूज करके प्रॉब्लम करिया को पड़ी है तो प्रॉब्लम रे किसी किसी जिनस दे थाए बा क्वेश्चन रे किसी किसी जिनस दे थाए जो गुड़ाक कि पॉइंट आकार पढ़ले ही आम इजिली करपर से कह ना प्रॉब्लम थ्रु रे कर पुणी से सार आप तो यहाँ कही ना से कहीमती कहीं कर तो तुम्हें पूरा डिटेल्स देखीदे था हला जोटा कि बेसी जिनस युड़ाक देख पुणी सेकेंड इयर रे फिजिक्स रे तो एवपाई देख आम लास्ट टाइम डिस्कशन करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे जे तुमर यहाँ गोटे ईए अच्छे कौन मेटल प्लेट मेटल प्लेट उपर इलेक्ट्रॉन सब अच्छा सरफेस आटम लगिकी अच्छा हला तो बर्तमान तुम जो इंसिडेंट रेडिएशन दौच ये बाहरी जा मेटल सरफेस को छाड़िकी फोटो इलेक्ट्रॉन हो जाटा कौन हो जा फोटो इलेक्ट्रॉन ठीक अच्छे तो बर्तमान कथा हला ये फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर बाटा कहा उपरे डिपेंड करे यहाँ आम टे कथा देख पाठ कौन कहला ना आम जाचे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी कौन कहली इंसिडेंट एनर्जी माइनस केते हे जाउची ना थ्रेसोल्ड एनर्जी हाँ ना नहीं थ्रेसोल्ड एनर्जी बट थ्रेसोल्ड एनर्जी फॉर एनी मेटल बट थ्रेसोल्ड एनर्जी फॉर एनी मेटल कौन सी भी मेटल पाई तार निजर गोटे वैल्यू अच्छे तो सेटा का फिक्स वैल्यू ना सब चेंज हो जाऊ सब फिक्स्ड है कौन सी भी मेटल पाई तार थ्रेसोल्ड एनर्जी टा फिक्स ता माने मु कहली पार्टा मोर गोटे कांस्टेंट हो गला ताहले काइनेटिक एनर्जी टा कहा उपर डिपेंड कला इंसिडेंट एनर्जी आम कौन लिखुले सिंबोलिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इ माइनस इ जीरो लिखुले बर्तमान मोर इ जीरोटा हो गला कौन फिक्स बा कांस्टेंट हाँ ना तो मुझे जे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एनर्जी होची काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट एनर्जी पुणी एटा को टिके देखो देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मु ए जगह लिखी परबी एच न्यू कंपाई आमे जानिचे इज इक्वल टू केते थाए एच न्यू तो एथरु कौन जानलो ना आहुरी लिखी परबे काइनेटिक एनर्जी एटा कांस्टेंट तेणुक काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रिक्वेन्सी कौन लिखिली इंसिडेंट फ्रिक्वेन्सी हम ताहले देख मोर इंसिडेंट फ्रिक्वेन्सी बढ़िले काइनेटिक एनर्जी टा कौन हम बढ़ु इंसिडेंट एनर्जी बढ़िले काइनेटिक एनर्जी टा कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊ तुम्हें निजे चेक कर न गोटे एमती टेबल कर दियो एठी नहीं जाओ ई एठी नहीं जाओ ई जीरो आ गोटे जगह नहीं जाओ काइनेटिक एनर्जी सपोज तुम्हार ई जीरोटा गोटे मेटल पाई अच्छे 10 kJ लिखीद बर्तमान देख बढ़े बढ़े जीवन ना कमे कमे तुम इच्छा जोटा कले चलो सपोज ये 15 kJ दे ये घरटा छाड़ी दे था लास्ट पाई एठी आ गोटे घरे कर एठी 10 कहीं छाड़ी कहबी एठी सपोज 15 kJ दे 15 to 10 माइनस करदेव केते किलो जूल हो जाए तुम काइनेटिक एनर्जी 5 यहाँ जो 20 करदे यहाँ से 10 अच्छे तो तुम के 10 kJ काइनेटिक एनर्जी है ना ना तो एगेन देख यटा को जो आम ये करवा 30 करदे 30 करदे यहाँ के 20 kJ
ଏମିତି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତୁମେ 100 କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 100 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଠି 10 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଅଛି, ତ ତୁମର କେତେ ହେଇଯିବ 90 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଘରଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମିନିମମ୍ ଏଠି କେତେ ରଖିପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଥାଏ, ଇ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ 0। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ରଖିବି, ଏଠି ମିନିମମ୍ 10 ରଖିପାରିବି, ତା ତଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବେ, ତାଠୁ ତଳକୁ ଗଲେ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ହେବନି। ତେଣୁକରି ୟାର ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ, ଏତିକି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିନିମମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି କେତେ ଥିବ, 0। ତାମାନେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ସେଠି ରହିବ ନା ରହିବନି, ବିଲକୁଲ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ପ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବାନି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଏମିତି ଗ୍ରାଫ୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇପଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ମୋର, ସପୋଜ୍ ଏପଟେ ନେଇଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲ, ଏଇଟା ଇ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ନ୍ୟୁ ଥିବ। ତ ତୁମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ନ୍ୟୁଟା ପାଇଯିବନି। ତ ନ୍ୟୁ ପାଇଗଲେ ନ୍ୟୁଟା ଯେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଏଇଟା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏକା ଜିନିଷ ଇ ସହିତ ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ଯେମିତି, ନ୍ୟୁ ସହିତ ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ବି ସେମିତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଖାଲି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ନା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ତୁମର ରଖିଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଓକେ। ଏଇପଟେ ରଖିଲି ତୁମର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ହବ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ତ ଦେଖିଲ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଯେତେବେଳେ 0 ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ଇ 0ଟା 0 ଅଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ଇଟା 0 ଅଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ନେଇଛି, ସେଇଟା ଏଇ 0 ଆକ୍ସିସ୍ରେ ପାଇପାରିବି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ୟାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା କ'ଣ 0 ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି, କେବେ ବି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି 0 ହେଇନଥିବ। ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖିଲ, ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ 0 ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ 0 ଥିଲେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଏଇଆ ପାଉଛେ, ନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ 0। ତାମାନେ ଏଇଠି 0 ନ ହେଇକି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଏଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନ୍ୟୁ। ତ ଏଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କେବେ ବି ନ୍ୟୁଟା କେବେ 0 ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ 10, 12, 5, 7 କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, 0ରୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନ୍ୟୁର, ନ୍ୟୁ 0 ଏଠି ଲେଖିଦେବି କ'ଣ, ନ୍ୟୁ 0। ଆରେ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଦେଖ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି 0 କେଉଁ ଆକ୍ସିସ୍ରେ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ। ତ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଯେଉଁଠି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି 0 ହେଲା, ତା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟା କେତେ ହେବ ନା, ନ୍ୟୁ 0। ନ୍ୟୁ 0ଟା ପୁଣି କେତେ ହେଇଥିବ, 0 ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ସେ 0 ଜାଗାରେ ନ ରହି ଟିକେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବ କେଉଁଠି ଗୋଟେ, ହେଲା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ରହିବ, ଏଇଟା ଏ ଭାଲ୍ୟୁଟା ତୁମକୁ ଦେବ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। କ'ଣ ଦେବ, ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏନର୍ଜିଟା ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛ, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁଟା ବି ବଢ଼ୁଛି, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବି ବଢ଼ୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଆସିଥିବ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 15, ସପୋଜ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ 15 ଆସିଲା, ଏଇଟା ତୁମର ସପୋଜ୍ 10 ପାଇଁ ଥିଲା, ଏଠି 15, ଏମିତି 20, ଏମିତି କରି କରିକି ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 40, ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 15 ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତୁମ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଏଠି ଥିବ, ପୁଣି 20 ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଥିବ, ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଯେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଯେ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିଟା ବଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏମିତି ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜଏନ୍ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛି।
हम तो एमती कर पार जड़े जदि ग्राफ्टा जस्ट सपोज ये ग्राफ्टा जापार केमती आसला ना स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग बा इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट न्यू जीरो है केवे जीरो रु स्टार्ट करदबानी ए जीरो रु स्टार्ट करदबानी ठीक अच्छे बुझाला। अच्छा आ गोटे जिनस कह देख जड़े उल्टा करदब ए आक्सीटा यपटे एंट्रान्स क्वेश्चन पड़ थो सब एमती काइनेटिक एनर्जी एपटे एपट आक्सीपटे फ्रिक्वेन्सी ताहले तुमर कौन हो जीरो रु न जाकि हाइट रु जीव काइनेटिक एनर्जी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी फ्रिक्वेन्सी बढ़ी बढ़ी तो यही जगहटा तुम कौन न्यू जीरो मैंने ये हाइट कौन हो तुम न्यू जीरो हम आस बुझेला ना नहीं तो यही आम गोटे कनक्लूडिंग रिमार्क लिखिपर कौन कनक्लूडिंग रिमार्क गोटे पॉइंट एम लिखा पॉइंटा कौन ना यहाँ कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को हो किंबा इंसिडेंट एनर्जी को हो ता सहित कौन हो जाउछि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या बॉक्स कर रखिदब तो युवाक सब बीट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रीजन वाला क्वेश्चन निहाती दरकार है। अच्छा एबे आ गोटे जिनस तुमको कहुछ जे देख गोटे टर्म बेले बेले पचारे ह्वाट इज माने क्वेश्चन दे दे थिवो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी देख गोटे क्वेश्चन तुमको कहुछी सपोज द एने गोटे प्रॉब्लम कहुछी ठीक अच्छे ताहले से टर्मटा बुझिबा पई सुविधा हो गोटे वार्ड बेले बेले आसे फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इफ एन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ 10 kJ इफ इंसिडेंट रेडिएशन 10 kJ जेनरेट्स एन ए ए फोटो इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी दे 4 kJ है से देख ये कौन पचार आम एमती किसी भी जिनस पढ़ीना जोटा कि आम बाइंडिंग एनर्जी बोली कहीपर कही कि ना किंतु टिके ध्यान दे कि पढ़ो क्वेश्चनटा तुमको कौन कौन दे जदि देख तुमको इंसिडेंट एनर्जी ताने कौन कहली तुमको दे गोटे एमती इटा दे 10 kJ हाँ ना नहीं ठीक अच्छे। बर्तमान देख आ गोटे कौन दे काइनेटिक एनर्जीटा दे कौन दे 4 kJ से पचार गोटे बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग कथा कहीं आसब से देखा टिके देख आम जो कथा हो गोटे फोटो इलेक्ट्रॉन टे बाहर से कौठ बाहर
କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି? ଗୋଟେ ଆଟମ୍ରୁ। ଆଟମ୍ରେ କିଏ ଥାଏ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କିଏ ବୁଲୁଥାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ହିଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ବାହାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେଉଛି। କ'ଣ କହିଲି? ବାହାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେଉଛି। ସେ ଏନର୍ଜିଟା ଦରକାର କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ଇଏ ୟାକୁ ଟାଣିକି ଧରିଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଟାଣିକି ଧରିଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଓଲଟା ବି କହିପାରିବି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। କ'ଣ କହିଲି? ଏବେ ଶୁଣିପାରିଲ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ହେଲା? ସୋ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ଆମେ ଦଉଛେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିକି ପଳଉଛି, ସେତିକି ଏନର୍ଜିରେ ଇଏ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ସେ ବାହାରିକି ପଳଉଛି, ଇଏ ଏତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦଉଥିବ ବୋଲି ସେତିକି ଏନର୍ଜିରେ ପଳଉଛି ନା। ନହେଲେ ତ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ଏନର୍ଜିରେ ପଳାନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ଏନର୍ଜିରେ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜିରେ ସେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। କେଉଁ ସେଇଟା କେଉଁ ଏନର୍ଜି? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବା ଏନର୍ଜି, ବା ଦ ଏନର୍ଜି ବିଟୁଇନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେତିକି ଫୋର୍ସରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତିକିରେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ଏଇଟା ବାହାରିକି ପଳେଇବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହେଲା? ତ କଥାଟା ସେଇଠି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଲେ ସେ ବାହାରିକି ପଳଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ହେଇଗଲା, ଯେ ମିନିମମ୍ ଏତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଲେ ଏଇ ବାଇଣ୍ଡିଂଟା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିକି ପଳେଇବ। ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ମିନିମମ୍ ଦେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିକି ଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଯେତିକି ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ହୁଏ ତା ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ବି ସେତିକି, ହେଲା? ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜିର ଇଏ ଦେଇଥିବ, ମାନେ କଥା ପଚାରିଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟୋର୍ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ହେଲା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଇ ଦେଇଛି କେ ଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣଟା ପଚାରିଛି? ଇ ଜିରୋ। ତ ତୁମେ କାଟି ଦେଇପାରିବନି, ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ମାଇନସ୍ ଇ ଜିରୋ। ତ ଇ ଜିରୋ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ଇ ମାଇନସ୍ କେ ହବ। ତ ଇଟା ତୁମକୁ ଦେଇଛି 10, କେଇଟା ଦେଇଛି 4, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 6 kJ ହବ। ଜାଣିହେଲେ କେମିତି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଉଛି? ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ମାନେ ତୁମେ ଥରେ ଜାଣିଗଲ, ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ମାନେ ବାକି ସବୁ ତ ତୁମେ କରିଦେଇପାରିବ। ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି, ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ହେଲା। ଏ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିକି ଯିବ ନା? ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେ କହିଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେଡିଏସନ୍ ସହିତ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜିର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖ ଏଇଟା କହିଲା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି
रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ले। तो देख ये जिनसटा केमिति कहचे। अच्छा आम जानचे इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौनसी भी लाइट रो फ्रीक्वेंसी उपरे इंटेंसिटी डिपेंड करे नहीं इंडिपेंडेंट। इंटेंसिटी कहाँ उपरे डिपेंड करे ना इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। जिते अधिक फोटन बढ़िबो इंटेंसिटी बढ़िबो हला। देख मु तांको पिक्चरियली भी कहि दउछि। एमिती सपोज तमरो गोटे लाइट अछि हला। लाइट रे तमरो एठी स्मॉल पैकेट्स अछि एगुडा को आमे कहछे फोटन। तो गोटे फोटन रो एनर्जी जदि मु कहिली 10 किलो जूल हला। तमें जदि एठी पांचटा पैकेट अछि गोटे लाइट करिवो एमिती 8टा 6टा 7टा माने पैकेट संख्या बढ़े देलो हला। किंतु सही 10 किलो जूल रखिलो ठीक अच्छे। ताहले एक केस रे तुमको अधिक फोटन मिले। अधिक फोटन मिलले तुम अधिक एनर्जी पाई जीव हला। तो तुम्हें ये पैकेट गुड़ाकर एनर्जी फिक्स थाई कि केवल नंबर बढ़े देले नंबर बढ़े देले अधिक एनर्जी पाई जाऊ बा। ताहले आमे कही परिबा कि इंटेंसिटी तुमको बार बार कही सनलाइट से सकाळे तुमको कम काटुची कम पाई से तुमर फोटोन नंबर टा कम अच्छे किंतु दिपहर अधिक काटुची कहीं से फोटोन रो नंबर अधिक अच्छे हला। अच्छा से यार इंटेंसिटी अधिक हो जाए। इंटेंसिटी टा डिपेंड करे नंबर ऑफ फोटॉन्स ऊपर ठीक अच्छे। जन कह सार मु एमती करी मो पाखर एमती लाइट अच्छी ए स्मॉल पैकेट्स अच्छी स्मॉल पैकेट्स मो पाखरे 4टा अच्छी किंतु एटा रे मोर ए सेम लाइट रे मोर वर्तमान मु 12 किलो जूल कर देली पैकेटा हला। ताहले कौन इंटेंसिटी टा बढ़िबो ना कमिबो ना तमे एठी 12 किलो जूल कल किंतु नंबर ऑफ फोटॉन्स तमरो देख ऑटोमेटिकली कमी जाइछि कम पई तम पाखरे लाइट रो टोटल एनर्जी टा तो फिक्स टोटल एनर्जी अनुसार तमे ताको भाग कर दबो हला। भाग कर देले तमरो देख आमे एटा पढ़िछे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो गोटे फोटन एनर्जी एच न्यू हेले आमे कहते टोटल एनर्जीटा हूँ एन एच न्यू। तो तुमर यहीटा फिक्स है तुम जोतक चेंज करुच ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज होक बढ़ले यू एन वैल्यूटा कौन हम कम नाकर प्रडक्टा के कन्स्टाट हो पार है। तो बर्तमान देख तुम गोटे फोटन एनर्जी बढ़ेला बेलू नंबर ऑफ फोटॉन्सटा कौन हो जा कमी जा तेणुक देख ये समान एनर्जी रखी थी फोटन अधिक हो पारे किंतु जिते तुम एति एनर्जी कर दौच तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स कमी जाला। तो ये मन रखी था कौन जानूचे ना फ्रीक्वेन्सी सहित यार किसी संपर्क ना इंटेंसिटी रो फ्रीक्वेंसी सहित किसी संपर्क ना। फ्रीक्वेंसी बढ़े तुम इंसिडेंट एनर्जी टा बढ़ुची किंतु नंबर ऑफ फोटॉन सहित संपर्क ना हला। तो कौन करिबो ना एमती करदेव बेटर होची जे केवल जानी था इलेक्ट्रॉन टा केमिति एमिशन हुए। इलेक्ट्रॉन टा गोटे फोटॉन आसीबो एमती बाड़े हेब फोटॉन रो एनर्जी टा से नहीं कि पळेब हला। एटा होची प्रोसेसटा तेणुकरी जिते अधिक एटी दीटा पॉइंट कहबी
ଠିକ ଅଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ତମର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମର ଲାଇଟ୍ରେ 5ଟା ଫୋଟନ୍ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମାନେ ଆସିକି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାର କରିବେ। ଇଏ ଆସିବ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ବାହାରିଯିବ, ହେଲା, ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ 5ଟା ଫୋଟନ୍ ଅଛି ବୋଲି 5ଟା ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିବ, ହେଲା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ମୋର, ଏମିତି ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଏମିତି କରିଦିଅ, ଇନକ୍ରିଜ ଇନ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ। ତା ମାନେ କହିଲା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଫୋଟନ୍ ରହିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତମକୁ ଦେବ, ହେଲା। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ର ଇଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି କଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଆ ଆସିଯାଏ ଯେ ନମ୍ବର ନ କହିକି ଏଇଟା, ହଁ ଠିକ ହବ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ କହିଲି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ସି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହବ, ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସଟା ବଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହବ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍, ବା ଓଲଟା ବି କହିପାର, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ, ଏକା ଜିନିଷ। ତ ୟା ଉପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ, ବା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ତ ଦେଖିଲ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି, ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଛି, ଏଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଥୋଇଦିଅ, ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଏଠି ଦେଖ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଲେଖିଲି, ଏଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ସ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥୋଇଦେବି, ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ନେଇକି ଥୋଇଦେବି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ହବ, ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ। ଏଇଟା ବହୁତ କି ପଏଣ୍ଟଟା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଭକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଭ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଭ କ'ଣ କହେ ନା, ଏଇଟା କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଫୋଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ତମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଇ, ଅର୍ ମୁଁ କହିପାରିବି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ନ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଚ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଲେଖିଦେଲି ଏଇଠୁ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ିଛେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ
ऑफ न्यू हनु ना ताहले मु कहि परबी कि देखो न्यू सहित इंटेंसिटी रो किछि संपर्क नाही, ताहले काइनेटिक एनर्जी रो केवल न्यू सहित संपर्क। ताहले मु कहि परबी जदि यार या सहित संपर्क नाही, यार भी या सहित संपर्क नथियो, कम ए दि जणक संपर्कीय रिलेशनशिप तांक भितर अछि, त एटा बढ़ुची एटा बढ़िले, एटा एटा कमिले एटा कमुची, हाँ ना नहीं। तो देख एठी जहाँ अच्छे रिलेशनशिप यांकर भीतर अच्छे यांक सहित तार कौन सी संपर्क ना है तो तुम्हें जिते काइनेटिक एनर्जी ये भाव मुझे बेसी इंटेंस लाइट दे दी माने मु नंबर ऑफ फोटॉन्स टा बढ़े दी हाँ ना नहीं नंबर ऑफ फोटॉन्स इनक्रीज कर दे टू इनक्रीज इंटेंसिटी हाँ ना नहीं हाँ इनक्रीज कले नंबर ऑफ फोटॉन इनक्रीजेस टू इनक्रीज इंटेंसिटी हम तुम भावुव मु नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े दी ताल मोर काइनेटिक एनर्जी टा भी फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ी जाइ नुह नुह तुम्हें एटा बढ़े संख्या बढ़ीज आगुरी धर पांचटा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर था ए दसटा बाहर किंतु से दसटार भी काइनेटिक एनर्जी सामान रही इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यू किंतु काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन न्यू है तो यही या ग्राफ्टा केमती आसे ना तुम्हें जहा कर जहा कर माने एपटे रखिल इंटेंसिटी है इंटेंसिटी टा तुम जिते बढ़े 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 जाओ इनफिनिटी पर्यंत बढ़े बढ़े जाओ एते खराब दि कि लोक मरी जातु स्टील जदि लुहारू गोटे रो काइनेटिक एनर्जी 5 किलो जूल हो कि बाहर थी गोटे फोटो इलेक्ट्रॉन रो ताहले से तुम जिते इंटेंसिटी बढ़े भी से 5 किलो जूल हो कि ही बाहर ले कौन कौन पाई ए लाइन रे न्यूटा ही जाऊची कांस्टेंट जानी है ना तुम इंटेंसिटी जत्ते बढ़ाओ 100 गुणा भी बढ़े देले तुमर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टा बढ़ी जीवो किंतु काइनेटिक एनर्जी सब बेले फिक्स रहिबो तन करी काइनेटिक एनर्जी टा ए लाइन रे कांस्टेंट ही जाऊची पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस हैला देखियो 2006 ना 2007 रे कि गोटे इयर रे एमती गोटे क्वेश्चन पड़ा जेई रे ना जेई ए जो AIEEE रे से थिला तो एपटे से देची काइनेटिक एनर्जी एपटे रखी इंटेंसिटी ओके ग्राफ्टा केमती हो थो पा जानते एमती हो से किंतु एक्सिस दीटा चेंज कर देछि तो बर्तमान मुझे तुमको जस्ट कही जे सब बेले लाइन टा पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस हो तो पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस माने ये लाइन टा केमती हम एमती है तो देखि चाहिए ग्राफ कर बुझे जदि एति की जिनस आज जानपारे आ गोटे जिनस है गोटे टर्म आसे बेले बेले स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन कहली स्टॉपिंग पोटेंशियल है एटा जनरली प्रॉब्लम पे ही खाली दरकार हम स्टॉपिंग पोटेंशियल ओके स्टॉपिंग पोटेंशियल जिते कहली से तो देख आहरी एथेरे बहुत सारा पाठ अच्छे बहुत ग्राफ अच्छे स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ अच्छे किंतु जेहेतु तुम फर्स्ट ईयर रे अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन जान न थिबो स्टॉपिंग पोटेंशियल मु तुमको कहूँ तो से टिके तुमको डिफिकल्ट लागी पारे हला किंतु मु तुमको मिनिमम जिनसटा कहिबी मिनिमम जिनसटा हला जोटा मैक्सिमम जिनसटा तुम नेक्स्ट वर्ष फिजिक्स रे पोटेंशियल पढ़ी सरला परे पढ़िबो सो दैट इजी लागिबो हेलो एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा केमी करा हुए सेटा को टिके जानले स्टॉपिंग पोटेंशियल टा बुझि परबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टा एमिति करा हुए एमती गोटे ट्यूब नहीं जा हुए ठीक अच्छे ये गोटे मेटल प्लेट रखा हुए ये गोटे मेटल प्लेट रखा हुए यहीपटे एमती करेन्ट दिया है ओके
एटा गोटे काचर ये ट्यूब ट्यूब एटे गोटे बाट थाए जमी भी हो मेटाल सरफेस इंसिडेंट रेडिएशन टा पड़े एटा ताहले कौन कहली इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन हेले ए मेटल सरफेस रु सब इलेक्ट्रॉन गुड़ाक बाहर हाँ ना इलेक्ट्रॉन गुड़ाक बाहर के ओपोजिटली चार्ज एटा नेगेटिवली चार्ज तो यही पटे जदि पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी मोर सेपट को से मूव करी हला तो एटा इलेक्ट्रॉन टा ए डायरेक्शन में मूव करे कौन पे मूव करे ना तार काइनेटिक एनर्जी अच्छी बोली से मूव करे है काइनेटिक एनर्जी टा केत थी ना आम जदि यही कंडीशन रे इंसिडेंट रेडिएशन दे ग्रेटर दैन ई जीरो हम दे बर्तमान इलेक्ट्रॉन बाहर तार काइनेटिक एनर्जी अच्छे से मूव कर कहीं डायरेक्शन में मूव करे देख जदि जदि मेटल प्लेट दुटा करेन्ट सहित न देवी तेल इलेक्ट्रॉन टा बाहर ए आड़े कुआडे भी मूव कर जाइपे हला ताहले तुम्हें करेन्टा को गोटे जगार पाइपर चारिआड़े बिछुड़ी होके करेन्टा तैयारी होना तो आमको गोटे पर्टिकुलरली करेन्टा कलेक्ट करवा ना आम कौन गोटे कम करने मुझे कह सोलार प्लेट रे मोर करेन्ट तैयारी हो आकाश को पलाऊँच आकाश को पलैले मोर घर लाइटा जलिपर कि जलिपर तो पुणी गोटे तार थ्रु आक पड़ हला तो से आई इलेक्ट्रॉन गुड़ाक चैनलाइज करके गोटे डायरेक्शन तो आने पड़ो हला तो सहीटा आने एमती मेटल प्लेट रे किसी पोटेंशियल दि हुए करेन्ट दि हुए करेन्ट दे आड़े सियाड़े न जाती सीधा रास्त या पाक आसवे या पाक आसे ये करेन्ट आम मैंने इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कले जदि इलेक्ट्रॉन टा ये डायरेक्शन में फ्लो हम करेन्टा कौ डायरेक्शन में फ्लो हम ओपोजिट है जेहेतु तार लगी तार थ्रु रे करेन्ट तुम पाइज है करेन्टा को कलेक्ट कर हुए ठीक अच्छे कथा है ये आमर इलेक्ट्रॉन टाक आम कलेक्ट करूचे केते पोटेंशियल देले कलेक्ट करूचे ना देख वर्तमान तुम्हें जानिच काइनेटिक एनर्जी टा केते हुए ना ई माइनस ई जीरो है ये गोटे लिखाही स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन ना इलेक्ट्रॉन टा एई पटे किछ गोटे पोटेंशियल अछि बोली एपटु एपटु को मूव करूछि हला मन आग को पढ़िबो तमे जानि थाओ सब बेले इलेक्ट्रॉन मूव करे एई जगार मूव करूछि जो जगार मूव करे सब बेले जेंदी पानी हाई रु लो को माने उच्चा रु नीच जगा को फ्लो करे निया सेमती तळ ऊपर को सब जिनसर प्रॉपर्टीज अछि हला किए कौटिक फ्लो करमती चार्ज बा इलेक्ट्रॉन बा युड़ाक फ्लो करती हायर पोटेंशियल पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जोठी अधिक इलेक्ट्रॉन थाए से जगटा हुए हायर पोटेंशियल जोठी कम इलेक्ट्रॉन थाए से हुए लोअर पोटेंशियल है तो से अधिक इलेक्ट्रॉन जगह हायर पोटेंशियल रु लोअर को सब फ्लो हुए जितेबाला यहाँ फ्लो हम तो इलेक्ट्रिक करेन्टा प्रड्यूस हुए यही भाई भाव जो करेन्टा प्रड्यूस हुए जेहेतु लाइट पकईकु कहते फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट है अच्छा मोर बर्तमान किंतु दरकार मु चाहूना ही मोर ये करेन्टा आयारी हो मोर जी दरकार या चाहूना ही या कौन करी एटी तो लाइटा पड़ चली फोटो इलेक्ट्रॉन तो बाहरी चल थी तो मो काम है मुता काइनेटिक एनर्जी टा को बंद कर देबी सो दैट एटा आउ एठु मूव करके एडे जीव ना एठी जस्ट बाहर के रही जीव ता माने मु एठी जो पोटेंशियल रखी तार गोटे नेगेटिव वैल्यू एमती कमई कमई जी सपोज मु एठी 10 वोल्ट रखिले इलेक्ट्रॉन गुड़ा को एडे आसुची बर्तमान कौन करी 8 वोल्ट करदेवी तो इलेक्ट्रॉन टा कम बाट आसवे आसिक रही
पुणी सपोज 6 वोल्ट करदे यही जाए आसिक रही पुणी सपोज एमती 4 वोल्ट करदे देख लीजिए पोटेन ये आसिक इलेक्ट्रॉनटा रहीगला आउ बिलकुल बाहर की गलापर आउ जाऊना ताने मु 4 वोल्ट यदि रखुची तेल मोर इलेक्ट्रॉनटा स्टॉप हो जाऊँगी फ्रॉम मूवी जदि स्टॉप हो मोर करेन्ट आउ प्रोड्यूस हम ना बुझेगा तो ये जो करंट प्रोड्यूस न हो जिनसटा को ही जो पोटेंशियल रे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो द पोटेंशियल अप्लाइड बाय व्हिच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बुझी हेला ना नहीं एति के जिंस ही मुझको पढ़ेवाई चाहूँचे एवं कौन पर यार ग्राफ फ्राफ अच्छे तुम्हें से गुड़ा फिजिक्स कर ग्राफ कले तुमको कष्ट लगे तो एतिकी आम जान ले जे आम गोटे एमती पोटेंशियल दबा जो थे कि तार फोटो इलेक्ट्रॉनटा स्टॉप हो या रिलेटेड गोटे इजी प्रॉब्लम तुमर सब पड़े से गुड़ाक संध्या मु डिस्कशन करी बा क्लासरूम डिस्कशन करदेवि ये इतनी खाली जानी था इतनी जान ले से प्रॉब्लम टाक आराम से करदे पार है देखी दियो आज आजपाई।